अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अयाज खान बिस्मिल्ला खान, उप शिक्षक डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू हाई स्कूल यावल। प्यारे बच्चों, मैं तुमसे चंद प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न यह है कि बताओ, दाल को तड़का क्यों दिया जाता है? उसका स्वाद बढ़ाने के लिए। शाबाश बच्चों। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसी वस्तु का नाम बताइए जिसको दाल में डालने से उसका स्वाद बढ़ता है और उसके साथ साथ उसकी पाचन क्रिया भी बढ़ती है। हींग। शाबाश बच्चों। इसी तरीके से हम आज 8वीं कक्षा का पहली इकाई का पाठ नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हिंग वाला, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। लगभग 45 साल का एक खान साहब हमेशा की तरह हिंग बेचने के लिए बाहर से आवाज लगा रहा था। वो एक घर में आकर चबूतरे के नीचे, वो सावित्री के घर में आकर चबूतरे के नीचे आकर बैठ गया और बैठकर हींग का पीपा नीचे रखकर अपने साफे से हवा करने लगा। और इसी दौरान एक बच्चा घर से बरामदे से बाहर आया और कहा कि नहीं, हमें हींग नहीं चाहिए, अभी हींग हमारे घर में मौजूद है। इसी बीच रसोई घर से सावित्री हाथ धोते हुए बाहर निकली और कहा कि नहीं खान साहब, अभी हमारे पास हींग मौजूद है, अभी 15 दिन हुए मैंने तुमसे हींग लिया था, अभी हींग जो है घर में मौजूद है। नहीं अम्मा, तुम जो है हींग ले लो, अब की बार मैं अपने मुलक जा रहा हूँ, आने में मुझे देर हो जाए या खुदा ना खास्ता मैं अपने मुल्क से ना लौटूँ, इसलिए तुम हींग ले लो, मैं तुम्हारे हाथ से अपने हींग की बोहनी कराना चाहता हूँ। दूसरे बच्चे ने कहा नहीं, हमें हींग नहीं चाहिए, अभी हींग घर में बहुत मौजूद है। तीनों बच्चों ने ये कहा कि नहीं, हमें हींग नहीं चाहिए। इस पर खान हींग बेचने वाले ने ये कहा कि नहीं अम्मा, तुम हींग ले लो और पपीये से और पीपे से हींग निकाल कर गिनने लगा और कहा कितनी चाहिए, और उसने हींग जो है गिनकर सावित्री के हाथ में रख दी। सावित्री अंदर जाकर, सावित्री ने ये पूछा कि कितने पैसे हुए, ये कहकर सावित्री अंदर गई और सावित्री ने कहा कितने पैसे हुए अम्मा, 21 रुपये हुए, 7 तोले के हिसाब से 3 रुपये के, लगभग 3 रुपये के भाव से 7 तरीक 21, आपके 21 रुपये हुए। और आप जो है, सावित्री अंदर गई और उसने 21 रुपये लाकर खान को दे दिए। बड़े बच्चे ने ये कहा कि अम्मा, तुमने हिंग होते हुए क्यों लिया? दूसरे बच्चे ने चीरते हुए कहा कि तुम उसे पैसे देती हो, मुझे भी पैसे दो। लड़की लगभग, जिसकी उम्र 8 साल की थी, उसने कहा अम्मा, हमें पैसे क्यों देंगी, उसका तो बेटा खान साहब है, वो उसे पैसे देंगी। इस बात को सुनते हुए माँ ने बच्चों से कहा कि बहुत बोलने लगे हो, चलो खाना तैयार है, चलो खाना खा लेते हैं।